संजय दत्त की माफी की मुहिम चला रहे पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने मुंबई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की राजनीति पर हमला किया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भिवंडी में इस्लामिक सोशल कल्चर फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए राज और उद्धव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी मराठी बनाम गैर मराठी की राजनीति को एंटी नेशनल यानी देश विरोधी करार दिया। काटजू ने अपने भाषण में कहा कि जो लोग समाज तोड़ने की राजनीति करते हैं उन्हें कुचल देना चाहिए। काटजू ने कहा कि देश किसी की जागीर नहीं है और महाराष्ट्र में मराठी ही नहीं देश के हर कोने के लोग रह सकते हैं। आपके यहां कुछ लोग चलाते हैं भूमिपुत्र थ्योरी, सन ऑफ द सॉइल थ्योरी, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी लोग रह सकते हैं। अरे भाई, तुम लोग मराठी लोग भी बाहर के हो, सिर्फ वो जो भीड़ है वही यहाँ के, तो फिर मराठी लोग भी भागे महाराष्ट्र से। अगर हमको भगाओगे उत्तर प्रदेश और बिहारियों को, तुमको भी भाग जाना पड़ेगा यहाँ से, तुम भी यहाँ के मूल निवासी नहीं हो। ये सब नहीं चल सकता, देश हित के खिलाफ है, एंटी नेशनल है। इन लोगों को बिल्कुल कुचल देना चाहिए जो इस तरह की हरकत करें। जस्टिस मार्कंडे काटजू, जिन्होंने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर निशाना साधा, उनकी राजनीति पर हमला किया और कार्यक्रम में कहा कि मराठी बनाम गैर मराठी की राजनीति जो लोग करते हैं वो एंटी नेशनल राजनीति है, वो देश विरोधी राजनीति है और ऐसा करने वाले देश विरोधी हैं। जो लोग समाज तोड़ने की राजनीति करते हैं उन्हें कुचल दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र पर किसी एक वर्ग या समाज का अधिकार नहीं है, पूरे देश का अधिकार है। देश के किसी भी कोने के लोग महाराष्ट्र में आकर रह सकते हैं, ये कहना था जस्टिस मार्कंडे काटजू का। और भूमिपुत्रों की राजनीति करने वाले महाराष्ट्र की दो राजनीतिक पार्टियों का नाम लिए बिना उन्हें निशाना साधा, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना जिसकी अगुवाई उद्धव ठाकरे करते हैं। इनका ब्रांड जो राजनीति का है वो भूमिपुत्रों का है, मराठी मानुष की बात और उनके हक की लड़ाई की पैरवी करते हैं ये दोनों दल। और इन्हीं के राजनीति के ब्रांड पर हमला बोला है जस्टिस मार्कंडे काटजू ने और कहा है कि मराठी बनाम गैर मराठी की राजनीति देश विरोधी है।